वेस्ट बेंगल मिदनापुर हावड़ा से दूर है? हावड़ा से दूर है, हावड़ा से सर 70-80 किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर दूर है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन कैसे मिली आपको यहाँ आने का? थ्रू यूट्यूब सर। यूट्यूब से देख कर? जी सर। अच्छा ठीक है, आपको ग्रुप डी मिल जाए? जी जी हाँ, ग्रुप डी में। यहाँ पे तो आए हैं, अच्छी बात है, हम ज़्यादा बच्चे को लेंगे नहीं, और लेकिन मेहनत थोड़ा दिल से करना पड़ेगा आपको, ठीक है? जैसे कराया जा रहा है, देख रखी हैं, तो आपको थोड़ा दिल से कीजिए और अपने आप में हौसला रखिएगा, कि हौसला नहीं रखने से मतलब कुछ नहीं होता है। जज्बा होना चाहिए कि हाँ हमको जॉब पाना है, मेहनत जैसे भी जैसे हो, और थोड़ा सा अपने आप में मोटिवेट रहिए, डीमोटिवेट नहीं होने की जरूरत है। आप आए हैं तो खुशिए कि मतलब हम मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं तो 2 रुपया कमाते कैसे होंगे, कितना कष्ट से कोई कमाता है, उसका मूल अदा कर दीजिए आप ऐसे मतलब मेहनत करना है कि मतलब लोगों को दिखे, आपको दिखे कि हाँ मतलब हम मेहनत कर रहे हैं। ऐसे हम कोई आपको हार्ड मेहनत नहीं कराए, हम ऐसे जीरो से स्टार्ट करते हैं कि मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको आज पता चला है अभी आ रहा है। जब आप भूखे पेटे खाली पेटे आए हैं तब पर भी आज हम आपको ग्राउंड में ले गए क्योंकि आपके पास समय कम है, तो हर चीज जग जीत लिया जाता है। ये तो क्या है मेहनत की, कौन दिन बाची, कितना दिन बचा है सर? अभी तो डेट नहीं दिया है। अभी डेट नहीं है, कौन सा जोन है? रांची है। रांची जोन है? जी सर। अच्छा, डेट नहीं दिया है। डेट अभी नहीं है, लगभग वही 1500-1600। हाँ, 1500-1600 बाद ही दे देंगे। ठीक है, तो आप आए हैं, आपका वेट कितना है सर? 68 kg सर। वहाँ पे वेट है थोड़ा सा, वैसे चलो सर। तो वहाँ पे वेट कितना वेट है? 69.45। अच्छा, आज करवाया तो आज कितना समय लगा है? 5:32। 5:32 लगा है। अच्छा, चलिए 5:32 लगा है। बच्चा है आपके पास, समझिए तो 12 दिन, 13 दिन, ठीक है? और थोड़ा आपको मेहनत ढंग से करना पड़ेगा और थोड़ा जज्बा से करना पड़ेगा और हिम्मत से करके मेहनत, उसको टाइमिंग को कम कीजिए, ठीक है? सुबह शाम आपको वहाँ ग्राउंड में पहुँच जाना है जितना बजे बताया जाए, बीच बीच में भी हम कभी कभी बुला लेंगे, आपको आना है, ठीक है? सुबह आपको खाना लगभग ऐसे समय से खाना है कि मतलब दिक्कत कोई ना हो, जैसे खाने के समय तो 11-12-1 बजे के बीच में आपको डाइट ले लीजिए, ठीक है? 12-1 बजे से खाना खा लेने से अच्छा होगा कि आप शाम वाला वर्कआउट अच्छा से कीजिएगा, क्योंकि पेट में यदि आपका खाना होगा तो पेट में दर्द एक प्रकार की अनिंद्रा बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसलिए खाना को बचाने के लिए समय लगेगा, उसको आपको अथी करना। और किसी प्रकार को आपको आने में दिक्कत हुआ? दिक्कत नहीं। चलिए, आप कुछ, आपको कुछ हमसे बात करना है तो बोल सकते हैं। तो हिंदी मतलब नहीं, बाबा पिताजी को हिंदी नहीं आते, वो आए हैं साथ में। अच्छा, मतलब ये आप हिंदी नहीं जानते? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा, आप समझा सकते होंगे? जी जी जी। फिर भी हम हर के लिए मना कर रहे थे, आप जाएंगे तो जाने जाने में आपका ही कष्ट होगा, बोले नहीं हमको देखना है कैसा है अकेडमी, हम खुद आंखों से देखेंगे तो हमको थोड़ा बहुत आएगा, तो इसलिए आए सर। जैसे उनको मतलब इनको कुछ कहना है हमसे पूछ लीजिए, किसी बोलते जाओ, किसी बोलते जाओ सर, कुछ नहीं ऐसे ही कुछ नहीं है, ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप अपने हम आपको बोल रहे हैं बोल सकते हैं। देखिए मेहनत के बदौलत सब चीज हो सकता है, ठीक है? लेकिन इनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को विश्वास होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है हम पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम करवा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम पे आपको विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं हम कर सकते। हाँ वही बात है, आप हम पे विश्वास रखिए, हम जितना कोशिश करेंगे बेहतरीन, जितना जल्द इनको टाइमिंग घटाएं और बहुत कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्द आपको रिकवर करें, क्योंकि समय भी कम है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करने से हमको भी बस 100% लेकिन कोशिश तो करेंगे, यही सोच के आ रहे हैं। आपको हिंदी बिल्कुल नहीं आता है? समझ में थोड़ा बहुत आता है, समझ में बोल नहीं सकते, बोल नहीं दे, बोल नहीं दे। और कुछ पूछना है? नहीं सर। हाँ, और सर फीस का क्या?
ये तो फोन पे बताया था 2500 रुपया फी है। और कुछ नहीं, और ज्यादा है आपके साथ बस। हाँ, और कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो आप उनको बोलना है। हाँ, तो बोलना है आपको ही। हाँ, तुरंत हमको बोलना है। मान लीजिए जो भी समस्या उत्पन्न हो, ऐसा नहीं क्योंकि हम ए एकेडमी चलाते हैं तो अपना जितना भी मेरे बच्चे हैं सभी हमारे बच्चे हैं, हम इसी तरह समझ के चलाते हैं। हम ए एकेडमी कमाने के उद्देश्य नहीं से खोले हैं, सक्सेस के उद्देश्य से खोले हैं, ठीक है। इसीलिए हम सभी बच्चे को कष्ट नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वापी हमारे पास आइए पूरा झुंड में आइए। बहुत लोगों ने हमारे पास कॉल किया लेकिन हम सभी को लगभग बोले कि क्योंकि हम ज़्यादा बच्चा को भी अभी रखना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। हम उस नहीं बच्चे को रखना चाह रहे हैं जितना में हमको मतलब सबको 10-10 मिनट लास्ट में समय दे दें। अब मान लीजिए ज़्यादा बच्चे को रख लेंगे तो आपको लास्ट में प्रॉब्लम होगा तो आप हम आपको समय नहीं दे सकते हैं तो हमको दिक्कत हो जाएगा, आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए हमको गिने कुछ बच्चे को रखना है जो सफलता की उम्मीद से आए, मेहनत करे और रहे, वही बच्चे को रखना था वही। और ज़्यादा बच्चे हमारे पास जरूरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, सर पेमेंट सर अभी करना पड़ेगा। हाँ, 2500 रुपया सर। ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन उससे नहीं, ठीक है सर। वो तो ऑनलाइन लगा रहा, उनके लिए कोई एडवांस वेडवांस देना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो सर रूम का पैसा कैसे देंगे? ठीक है, वो आपको रूम को पैसा आ रहा है तो सभी लोग को डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, ठीक है। हम ये नहीं सोचते हैं कि आपको कष्ट हो किसी प्रकार का, और हमको जहाँ तक उम्मीद होगा कि आपको मतलब जीरो यहाँ से कष्ट न हो हमारे माध्यम से, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि हम एकेडमी में आए हैं, आप समझिएगा कि हम परिवार के आप एक सदस्य में, ठीक है। ये सोच के मत हमारे पास आइए कि हम एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे थी हम एकेडमी जैसा, हम अपने जितने भी मेरे बच्चे हैं सबको मतलब परिवार के जैसा रखते हैं, हम चाणक्य परिवार ही उसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, नाम जो समझ में नहीं आ रहा है सर, उससे ठीक है। ऊपर नाम लिखना है ये सब कैपिटल लेटर में एक एक है। वेट भरिए, वेट प्लीज। तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप इन्फॉर्मेशन हमको दीजिएगा सर, हमको ये तरह की समस्या होगी, कोई भी तरह की समस्या होगा आप मेरा नंबर है मेरा आप रखे हैं इस नंबर पर, रात में चाहे जो भी कुछ भी हो फॉल्ट हमसे बोलना है कि सर हमको ये हो रही, चाहे जो भी समस्या है, क्योंकि ये सोच के मत हमारे पास स्टूडेंट नहीं, हमारे पास एकेडमी वाला बात में